जाने माने ज्योतिषी आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी। हाँ, आज का विषय भी हमेशा की तरह बेहद ही खास है और बहुत ही रोचक होने के साथ साथ आपको बहुत ही अहम जानकारी मिलने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका घर जो है, आपका जो घर है, आपके घर से ही आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि चाहे आप कहीं भी चले जाइए, दिन भर की जब थकान होती है तो अपने घर में ही आकर के आप अपनी थकान मिटाते हैं। सुकून आप अपने घर में ही जो है महसूस करते हैं, सुरक्षित अपने आप को अपने घर में ही महसूस करते हैं। ऐसे में आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप कुछ खास लेकर आए जिनमें आप बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे घर में अगर हैं तो एक नकारात्मकता उत्पन्न कर सकती हैं, क्या कुछ बताएंगे? आज हम जो लेकर के आए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि आप देखते घर के अंदर में तरह तरह की तस्वीर लगी होती, कोई टूटी तस्वीर लगी हुई, उसका इफेक्ट क्या आता है जीवन में। आदमी को जो सुख मिलना चाहिए उस सुख का अभाव हो जाता है। कहते ना कि जब आदमी चारों तरफ से निराश होता है और घर में आ जाता है, बड़ा सुकून की सांस लेता है, और यदि वही सुकून घर में आते ही खत्म हो जा रहा तो ये आप समझिए कि आपके घर के अंदर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। और जब तक वह नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, पति पत्नी के साथ में नहीं बनेगी, माता पिता के साथ में नहीं बनेगी, घर में तनाव रहेगा, बच्चों में शिक्षा का अभाव हो जाएगा, कहने का अभिप्राय कि नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होने लग जाती है। जी हाँ, वाकई आप अपने घर में अगर महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप अपने घर में आते ही बेचैन हो जाते हैं, उदासी आपको महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता है जो आपके घर में डेरा बसाए बैठी है। ऐसे में कुछ चीजें हैं आपके घर में रखी हुई जो ऐसा करवा रही हैं, उन्हें अपने घर से आपको निकालना है। कौन कौन सी वो चीजें हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। हाँ, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि आज का किचन पिटारा भी बेहद ही खास है। हम आपको बताएंगे कि आपका खोया हुआ सम्मान कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वापस, इसके लिए भी उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं। और लकी अक्षर जो आपका दिन भर साथ निभाता है, पूरे 24 घंटे लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में, एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। आचार्य जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, कोई आंच इन पर ना आए, इसके लिए आज के दिन और कल के दिन क्या उपाय करें, रक्षा कवच क्या दे रहे हैं आप बताएं। सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा आपको कि जो आप इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन करती हैं, शायद हमारे जो दर्शक हैं उनके दिल और दिमाग में यही बात आ रही होगी। बिल्कुल, तो मैं कहूंगा कि आज का जो रक्षा कवच है यानी रविवार का, कि घर से निकलें और एक गुड़ की ढेली घर के मंदिर में रख कर के निकलें तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। यदि हम वही बात करते कल यानी सोमवार की, तो बहुत सिंपल सा है कि दर्पण में अपना चेहरा या फेस देख करके घर से निकलें तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। जी, तो रक्षा कवच की बात हो चुकी है और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। आपका मिशन हर क्षेत्र में, हर काम में सफलता पाना, तो बिल्कुल चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या फिर किसी इम्तिहान के लिए, प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, सफलता आप निश्चित तौर पर पाएं, इसके लिए अपना कर चलें खास उपाय जो दे रहे हैं मिशन सक्सेस। जी हाँ, आज का ये मिशन सक्सेस रविवार की बात करें तो बच्चों को चाहिए कि 5 हरी दूर्वा की पंखुड़ियां लें और उसमें गंगा जल का छिड़काव करें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री गणेश जी के
चरणों में उसे अर्पित कर दें, तो आप किसी भी कार्य को जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि हम बात करें सोमवार की, यानी अगले दिन की, 5 हरी तुलसी की पत्ती लें और गंगा जल का इस उंगली से, अनामिका उंगली से छींटा लगा करके विष्णु भगवान को अर्पित कर दें, और परीक्षा जाते समय एक तुलसी का पत्ता मुख में रख लें, तो ये समझ लीजिए कि साक्षात सरस्वती आपके कंठ में विराजमान हो जाएगी और जीवन की जिस उम्मीद को लेकर के चल रहे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो चीजें हैं आपके घर में रखी हुई जो कि आपके घर में नकारात्मकता का जो है वास करवा रही हैं और आपके जीवन से खुशियों को छीन रही हैं, उन चीजों से अवगत करवाएं आपको। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, प्रमोद जुड़े हैं कोलकाता से। जी स्वागत है आपका शो में, प्रदीप है आपकी जगह का नाम। जी स्वागत है आपका शो में, सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें और अपना सवाल पूछें आप। जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। जी प्रदीप जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ हेलो जी। जी बताएं। हाँ, हमारा नाम प्रदीप था गुरु जी। जी जी बताएं अपनी जन्म की तारीख। 1974 7:30 बजे। डेट और महीना भी बताएं। हेलो दिन और महीना भी बताएं आप। 1974 मार्च। 5 मार्च। मार्च 13 मार्च 30 मार्च। इंग्लिश में बता दीजिए आप। 13th मार्च। 13 मार्च जी। 74 समय क्या बताया आपने? 10:30 ये सुबह के हैं? 10:30 ये समय सुबह का है या रात्रि का है? सुबह में जी। रात में सॉरी रात में है। लिख लिया कीजिए आप सब अपनी जानकारियों को, लिख लिया कीजिए कि इससे आसानी होती है। अब स्थान भी बताएं आप। कलकत्ता बेलियाघाटा मियांवाला। जी जी क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी अपना सवाल पूछे आप। सवाल आप बोलिए जी, बताएं अपना सवाल। अच्छा हेलो जी, देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपना सवाल पूछ लीजिए अपना। अब आप इनसे संपर्क टूट गया, यही हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब भी आप हमसे बात करते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत से दर्शक हैं जो हमसे संपर्क साधना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जानकारियां लिख लिया कीजिए कागज पर। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में पड़ी हैं लेकिन उनका आपके जीवन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आचार्य जी अगर हम बात करें सूखे पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, और ऐसे में अगर घर में ये चीजें रखी हैं वो भी सूखे पेड़ पौधे हैं, तो इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे में क्या उपाय भी होने चाहिए? देखिए घर के अंदर में यदि सूखे पेड़ लगे हुए हैं जिससे हमारे घर की सकारात्मकता नष्ट हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, संचार होने लगता है, हम अच्छी बात को कम ध्यान देंगे, नकारात्मक पर ज्यादा ध्यान देने लगे। एक कहावत है कि कौवा कान ले गया, कान को फिर हम नहीं देखते हैं, हम कौवा के पीछे भागने लगते हैं। परिवार में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, इससे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में आप कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं। मुख्यतः इस दिशा को हमेशा साफ रखें, किसी तरह की गंदगी ना रहे। यदि इस तरह का आप वातावरण बनाते हैं तो घर में एक नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जी हाँ, तो बिल्कुल ध्यान रखें, वृक्षारोपण जरूर करें, लेकिन हाँ घर में अगर आपने सूखे पेड़ पौधे लगाए हैं तो उन्हें हटाइए और फ्रेश पेड़ पौधे जो पौधे होते हैं उन्हें आप जरूर लगाइए। और अब हम बात करेंगे, माउंट आबू से हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। हाँ जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। जय माँ भगवती। मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म तारीख, नाम है उसका, डेट ऑफ बर्थ। 8/5/94 जी। सोरा जन्म का समय बताएं आप। 4:30 के बीच में है।
ये सुबह का समय है? सुबह जी। प्लेस? प्लेस बुलंदशहर। बुलंदशहर जी। क्या सवाल है आपका? मैं इसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। देखिए इनका कहूंगा कि इनकी मेष लगन मीन राशि बन रही है और शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा, मंगल इनका बेस में जाकर के बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब के इनके पूर्ण रूप से चांस बने हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि बस हमने कह दिया और आपने मान लिया, इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कर्म करने की आवश्यकता होगी। चूंकि राहु केतु अस्त होकर के बैठे हुए हैं तो 5 शनिवार लौंग को थोड़ा सा भूंज लें यानी जला लें और इनके सिर से 7 बार उतार करके पीपल में रखें। साथ में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो शीघ्र इनकी जॉब लग जाएगी जी। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल atmhliveindia.tv। ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। आकाश नाम है इनका जिनकी मेल हमारे पास आई है। आचार्य जी 30/4/89 6:45 PM अबोहर बर्थ प्लेस है जी। ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी और लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी इनको। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि इनकी तुला लगन बन रही है और कुंभ राशि, तुला का स्वामी शुक्र होता है और कुंभ का स्वामी शनि होता है। यहाँ गुरु में सूर्य चल रहा, विवाह के योग पूर्ण रूप से चल रहे हैं और आज विवाह तय हो कि 10 दिन बाद तय हो कि 15 दिन बाद तय हो, बस ये स्थिति चल रही है। परंतु मैं यहाँ पर कहूंगा कि पंचमेश में जब राहु चंद्रमा की युति होती है तो व्यक्ति डिसीजन बहुत कम ले पाता है, मन की एकाग्रता क्षीण रहती है, कार्य जल्दबाजी में करते, तो ये चंद्र ग्रहण दोष की शांति इनको कराना जरूरी होगा। और साथ में गुरुवार के दिन 1/2 गिलास जल ले लें और उसमें हल्दी मिक्स करके केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ऐसा करके तो विदिन 15 दिन के अंदर इनका कार्य संपन्न हो जाए। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि रविवार यानी कि आज ही के दिन अगर आपका जन्म हुआ था तो आपका जो नेचर है किस तरह का होता है, हड़बड़ाहट में हर काम करते हैं या सब्र भी है आप में, बहुत ही अहम जानकारी जन्म के आधार पर और पहर के आधार पर हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर सर्वे नंबर 311/18 जनसेवा बैंक के सामने न्यू DP रोड ससानी नगर हड़पसर पुणे 411028 ईमेल kisancoop@gmail.com।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बेहद ही खास है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका घर जो आपका आशियाना, आप जहां पर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जब भी कोई छोटी बड़ी खुशी होती है तो एक साथ मनाते हैं। और आचार्य जी, जब भी हम अपने घर के लिए कोई सामान लेकर आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि परिवार में एक सकारात्मकता भी लेकर आएगी, क्योंकि मोटो वही होता है कि जब हम कोई पिक्चर फ्रेम लेकर आते हैं या फिर गुलदस्ता भी रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि सही दिशा में रखा जाए ताकि उसका एक सही इम्पैक्ट हमारे परिवार पर पड़े। लेकिन ऐसे में आचार्य जी जानना चाहेंगे कि अगर बेडरूम में, शयन कक्ष में अगर लोहे का बेड रखा हुआ है तो क्या ये सही होता है, और अगर नहीं तो इसके लिए भी कुछ जानकारी? मैं कहूंगा धन्यवाद आपको जो आपने इसने लिया कि नहीं, जो लोहे का बेड होता है वह घर के अंदर में नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह भी होती है कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न वहां पर होती है। आप देखती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी के बीच में ही बड़ी बातें बन जाना, बड़े झगड़े हो जाना, और यहां तक कि इवन की तलाक की स्थिति तक उत्पन्न हो जाना। ये जो बात आज कही जा रही है, शोध करके की जा रही है, इस पर रिसर्च भी किया जा चुका है जी। घर में बच्चों का ध्यान भटक जाना, माता पिता की बात ना मानना, ये लोहे का बेड है। हमेशा जो बेड होता है वह लकड़ी का ही शयन के लिए, जो पलंग होता है वो बेड होता है, वो लकड़ी का होना चाहिए। बेड की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बेड कैसे भी अस्त व्यस्त पड़ा है, उसके अंदर में धूल लग रही है तो सदा, चूंकि जैसा आप भोजन करेंगे, जैसा आप शयन करेंगे, मन और बुद्धि वैसे ही होती है। कहते जैसा खाए अन्न तो वैसा हो जाए मन। हमारा दिमाग के अंदर में वही सकारात्मकता आती है जो हम अपने घर के अंदर में स्वच्छता और पवित्रता रखते हैं। घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बेड रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी भी जगह बेड को लगा दिया, किसी तरह सिर रख करके सो गए, जमीन पे सो गए। इस चीज का बहुत विचार रखा जाता है। और वही घर, जब आप अपने घर के अंदर में स्वच्छता पवित्रता रखेंगे तो आपके जीवन का भाग्य का जो उदय है घर ही करता है जी। हाँ जी। और आगे हम आपको बताएंगे आज के दिन का, कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल, और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। जय माँ भगवती जी। हाँ जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मुजफ्फरनगर से हूँ जी। राहुल जी बधाई, आपको आज के लकी कॉलर बने हैं आप। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा लकी कॉलर बन के जी। राहुल, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? अपने बारे में पूछना मैम जी। बताएं जन्म की तारीख। 22 सितंबर 1994 और टाइम है 11:45 PM। 11:45 PM और बर्थ प्लेस? सहारनपुर। सहारनपुर जी। राहुल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम एक तो मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है, कब तक मिल जाएगी, और एक थोड़ा सा फ्यूचर कैसा रहेगा जी। जी देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत भगवान है, मिथुन लगन मीन राशि है, परंतु मूल नक्षत्र में जन्मे हुए के कारण आप हर कार्य जल्दबाजी में करते हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, मगर शायद कर बहुत कम पाते हैं। इसकी वजह भी बता दूं कि आपका जो शुक्र की महादशा में राहु का अंतर चल रहा, आपका मन भटक रहा है, कहीं ना कहीं मन एकाग्र और स्थिर नहीं है। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन जो कुष्ठ रोगी होते हैं, अभ्यागत होते हैं, उनको मिष्ठान से बनी हुई वस्तुओं का दान करें, और राहु के लिए आप काला कंबल या कोई साल या नए जूते किसी को ये दान करें। ये दो चीज करेंगे तो बहुत शीघ्र आपकी जॉब लग जाए जी। हाँ, तो शुभकामनाएं राहुल जी आपको। और चलिए अब आप सबको बता ही देते हैं उस समय के बारे में जिस समय में आपको किसी भी अच्छे नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि राहु काल। जी हाँ, आज रविवार का राहु काल होगा।
शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक होगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, परित्याग करना चाहिए। वही बात करते हैं हम कल यानी सोमवार की, तो प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है, सिर्फ ईश्वर का नाम लेना चाहिए इस काल में, और यदि ऐसा करते हैं तो आने वाला काल भी आपके लिए मंगलमय हो जाता है। जी हाँ, और चलिए अब आपको दूसरे काल जो कि बहुत ही शुभ समय माना गया है यानी कि गुलिक काल, उसके बारे में भी बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। जी हाँ, अभी बात हमने की थी कि अशुभ समय कौन सा होता है और शुभ समय कौन सा होता है, आज हम बात कर रहे हैं अभी गुलिक काल की यानी शुभ समय। दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक यदि आप कोई भी कार्य शुभ कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं तो इसको आज इस दौरान यदि आप करते हैं तो आपको शीघ्र लाभ मिल जाता है। वही बात करें हम कल यानी सोमवार की, तो आज के दिन सोमवार के दिन 1:30 बजे से लेकर के और दोपहर में 3 बजे तक ये ऐसा कार्य होगा, काल होगा जिस समय आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसकी जो ताकत है, जो उसकी ऊर्जा है, कई गुना बढ़ जाती है। जी जी हाँ, दिल्ली से सीमा जुड़ी हैं। जी सीमा जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। सीमा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख? उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/4/90। जी समय, जन्म का समय? दिल्ली का बर्थ है, सुबह 5:58 पे। जी क्या सवाल है सीमा जी आपका इनके लिए? मुझे इसके फ्यूचर का, इसकी शादी का और अब आगे कैसा रहेगा जी। और इसका घर नहीं है, हमारा अभी तक घर नहीं बना, घर कब तक बनेगा? देखिए कहें कि इनकी मीन लगन तुला राशि बन रही है और शनि में शुक्र चल रहा है, चूंकि शनि इनका कमजोर होकर के बैठा हुआ है तो थोड़ा सा भी घर के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि समय लगेगा, परंतु इस पीरियड्स में इनको चाहिए कि शनि और शुक्र ग्रह के उपाय करें। शुक्रवार के दिन सफेद टीका लगा करके ये घर से निकला करें, हल्का सा सफेद चंदन का टीका लगाएं और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि इनके शत्रु भी बन रहे, कार्य में भी इनको सफलता नहीं मिल पा रही है और मन एकाग्र नहीं रहता। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन अच्छा है तो आप सफल हैं और यदि मन असफल है तो आप भी कार्य में असफल रहे। जी हाँ, सफलता और सफलता की बात हुई है यहाँ पर, तो अब आपको बता दें कि वक्त तो है यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि कैसे बैठते हैं आप, आपके बैठने का जो स्टाइल है ऑफिस में या दोस्तों के बीच में जैसे भी आप बैठते हैं, उसके आधार पर उस तरीके से आप जान पाएंगे अपने सफलता और सफलता के कई राज कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।